चलिए तो स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और आज बात विश्व कप की जंग की। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भिड़ंत जारी है और ये महामुकाबला देखने को मिल रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी की है और ऐसे में पांचवा विकेट भारत खो चुका है और इसी के साथ 185 रन पर अभी भारत का स्कोर है और ऐसे में लगातार जो है कोशिश के इस बार जो वर्ल्ड कप है वो भारत की झोली में आए, 10 साल का जो ICC ट्रॉफी का सूखा है वो यहां पर खत्म हो और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भी लगातार इस खिताब पर काबिज होने के पूरे जतन करता नजर आ रहा है और ऐसे में भारत का पांचवा विकेट गिर गया है और 184 रन का स्कोर अभी भारत ने खड़ा किया है। KL राहुल और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद है और देखते हैं दोनों की जोड़ी कहां तक आगे जाती है और इस विश्व कप की जो ट्रॉफी है इस महामुकाबले में क्या भारत की झोली में आती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी है। तमाम क्रिकेट जगत की, बॉलीवुड की, राजनीति की तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हैं और ऐसे में तमाम उम्मीदें फिलहाल KL राहुल और सूर्य कुमार यादव पर टिकी है जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि शुरुआत में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की लेकिन विराट कोहली रोहित शर्मा की साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और भारत ने पांचवा विकेट खो दिया है अपना और फिलहाल KL राहुल और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद। अहमदाबाद में क्या भारत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप की जीत दर्ज करा पाएगा, क्या विश्व कप की ट्रॉफी भारत की झोली में आएगी, बड़ा सवाल। लेकिन कोशिशें पूरी, दुआओं का दौर पूरे देश में जारी है, जगह जगह से दुआएं की जा रही है कि भारत ये मुकाबला जीते ऑस्ट्रेलिया से। तो चलिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है और ऐसे में मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल है। मेरे सहयोगी खुशबू और हार्दिक न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है। खुशबू, क्या कुछ माहौल इस वक्त न्यूज रूम में नजर आ रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेकर? बिल्कुल हिमाद्री, आप देखिए कि न्यूज रूम में जो है एक गजब का जोश दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दुआओं का दौर चल रहा है क्योंकि मैच जो है थोड़ी सी निराशा हुई थी लेकिन उसके बाद एक उम्मीद जो है वो मैच को और इंटरेस्टिंग बना देती है और हमारे गेंदबाज तो अभी शानदार हैं ही। तो देखिए कि मैच में जो है अभी हमें पूरी उम्मीद है और उम्मीद क्या है, जीतने वाला तो सिर्फ भारत ही है। बिल्कुल, और खुशबू जिस तरह से इस बार हमारा पिच है, इस बार सारी चीजें इतनी ज्यादा फेवर में जा रही है इंडिया के, लग यही रहा है कि इस बार इंडिया बहुत अच्छा खेलेगा भी और इंडिया चाहे जैसा खेले हमारे जो गेंदबाज है चाहे जसप्रीत बुमराह हो या फिर बाकी के गेंदबाज, उनसे अभी इस वक्त बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। विराट कोहली का जाना, फिर उसके बाद रोहित शर्मा का आउट हो जाना, शुभमन गिल का फटाफट आउट हो जाना, हम देख रहे हैं विकेट फटाफट गिर रहे हैं। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया का कैसा मैच रहने वाला है? आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया इतने रन बना पाएगा जितने इंडिया ने अभी बना लिए? देखिए बिल्कुल नहीं बनाएगा क्योंकि मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और काफी इंटरेस्टिंग ये मैच हो रहा है और देखिए कि जैसे हम 200 के स्कोर को छू लेंगे ना उसके बाद हमारी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी और हम भूल नहीं सकते हमारे गेंदबाज जो है कितने शानदार हैं, वो जब जब उनके हाथ में गेंद आएगी तो ये देखिए कि एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। इतिहास कुछ और कहता है, इतिहास ये कहता है कि अभी तक 150 मैच इतिहास बदलेगा देखना और इंडिया के बीच में जिसमें से यहाँ देखिए नहीं यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करती, इतिहास बदलेगा, इतिहास होता इसलिए कि बदल जाए, इतिहास बदलेगा। इस 57 के बाद 58वां मैच होगा जो कि इंडिया जीतने जा रहा है, ऐसी उम्मीदें इस वक्त इंडिया में हर किसी को है। लेकिन हमारे न्यूज रूम में क्या माहौल है, न्यूज रूम के लोग क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे काफी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। मैं आपसे चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर जो मौजूद हैं और इंडिया के टी शर्ट में पूरी तरह से, बिल्कुल केवल हम ही नहीं हमारे साथ न्यूज रूम में और भी लोग हैं जो इंडिया वाली टी शर्ट पहनकर बैठे। केवल टी शर्ट इंडियन है या फिर जीत का इरादा भी है इंडिया टीम का, क्या लग रहा है? जीत का इरादा बिल्कुल, कॉन्फिडेंस ही है इंडिया मैच जीतने वाली है और विकेट्स को गिरता हुआ देख के भी बिल्कुल संकोच नहीं इस बात का क्योंकि पिच वैसी बिहेव करने वाली थी, बहुत पहले से पता था। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने काम किया है, हमारे बॉलर्स भी बहुत अच्छा बॉलिंग करने वाले हैं और इस सरफेस का यूज करेंगे और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को भी ऐसी ध्वस्त करेंगे। चलिए बहुत शानदार, खुशबू और लोगों से पूछ लेते हैं लोगों को कैसा लग रहा है, आप बताइए आपको क्या लगता है आज? देखिए बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा,
अब क्या गेम बदल जाएगा, कोई गेम चेंजर होगा अब आने वाले भविष्य में कुछ मिनटों के बाद? बिल्कुल, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए आखिरी वक्त तक, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, कुछ भी हो सकता है। और जो जोश है अभी भी हाई है, और जिस तरीके से इंडिया ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया था, 70 रनों को तो पता नहीं, लेकिन हाँ इंडिया ही जीतेगी, तो इस बार वर्ल्ड कप इंडिया के पास ही आएगा। 9 के 9 लीग मैचेस इंडिया जीती, सेमीफाइनल इंडिया जीती, और इंडिया एकमात्र ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। ऐसे में ये फाइनल मैच है, और अगर ये टीम इंडिया जीत जाती है तो फिर तो ये जीत की हैट्रिक हुई खुशबू। बिल्कुल, ये जीत की हैट्रिक जो है आज हम लगाएंगे। अब देखिए कि मैं बहुत देर से देख रही हूँ अमित, तुम जो है ना काफी देर से क्रिकेट को जो है पूरी तरह से फोकस कर रहे हो, अपनी स्क्रीन पर भी लगा रखा है, क्या लग रहा है आज के मैच को? मेरा फोकस इस टाइम है पूरा केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव पे है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव है, भारत की उम्मीदें अभी बरकरार हैं, और हम 300 का आराम से टारगेट हम भारत के ऑस्ट्रेलिया सामने रख सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरह से हमने धोया है बॉलर्स को बाकी टीमों के, तो जो फॉर्म है हमारे पास, ये हम 10 ओवर में 100 रन भी आराम से मार सकते हैं, और 300-310 का लक्ष्य हम देंगे ऑस्ट्रेलिया को, जो कि काफ़ी कठिन होगा उनको चेस करने के लिए। एक तो फाइनल का प्रेशर है, और जो फॉर्म है हमारे पास, तो देखो उम्मीद तो हमारे पास यही है कि आज भारत जीतेगा। मोहम्मद शमी पर आज कितना भरोसा है? मोहम्मद शमी पे तो ये है कि आप आखिरी मोमेंट तक, आप लास्ट मोमेंट तक उम्मीद छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो स्विंग उनके पास है, जो फॉर्म है, बहुत कम मैच खेले हैं उन्होंने, जो शानदार परफॉर्मेंस किया है, कि तो मुझे आज लगते कम से कम वो 3-4 विकेट तो मेरे, जो मेरा मानना है कि वो लेंगे आज। वैसे खुशबू देखा जाता है कि बाकी के जो मैचेस होते हैं वो बैट्समैन पर निर्भर करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज का मैच फील्डिंग वाला मैच है, आज जिसकी फील्डिंग सबसे तगड़ी वही मैच जीत जाएगा? देखिए आज जो है, जो स्टेडियम की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, यहाँ पर देखिए एक चीज बहुत ज्यादा दिलचस्प है, यहाँ पर फील्डिंग बहुत ज्यादा जो है मैटर करती है, बॉलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, यहाँ पर जो इस स्टेडियम की खासियत है, तो अभी जो है इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उम्मीद जो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम जीतने वाले हैं। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, बिल्कुल खुश हो हार्दिक, आप मूड जानते रहिए कि आखिर क्या कुछ कहना है उनका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेकर। और ऐसे में हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं, अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोधपुर से हमारे साथ भवानी भाटी जुड़े, भवानी का रुख करेंगे। भवानी, क्या कुछ माहौल है इस वक्त भारत ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर जोधपुर में? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज जिस तरह से महामुकाबला जो है वो अहमदाबाद में खेला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि ना केवल यहाँ राजस्थान की बात करें बल्कि पूरे देश भर में एक जश्न का माहौल है, और सभी जो लोग हैं, चाहे क्रिकेट समर्थक करें चाहे आम आदमी की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो ये दुआ कर रहे हैं कि आज का जो महामुकाबला है वो भारत कैसे जीते। हम अभी जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में हैं, यहाँ पर भाजपा की ओर से एक बड़ी व्यवस्था की गई है तमाम जो कार्यकर्ता और आम लोगों के लिए, ताकि वो आराम से बैठ करके, जो कि जिस तरह का पर्व है, एक लोकतंत्र का पर्व है, उस बीच में आज जो महामुकाबला है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है। यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे इस तरह का उत्साह। भाई साहब, क्या व्यवस्था की गई आज यहाँ पर? पूरी कार्यकर्ताओं के लिए, पब्लिक के लिए टीवी लगाया गया पूरा, और भारत पे पूरा नाज है। भारत ने आज तक जितने भी मैच में सब में आगे गए हैं, और इस मैच को भी बहुत अच्छे रनों से जीतेंगे और वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। देखा, जो लोग हैं उनको पूरी उम्मीद है कि आज का जो महामुकाबला है अहमदाबाद में, जो मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत के बीच में, उसमें निश्चित तौर पर भारत की जीत होगी। आप किस तरह से मानते हैं, चूंकि लोकतंत्र का पर्व है, प्रचार भी कर रहे हो, इस बीच में यहाँ बैठ करके मैच भी देख रहे हो, कैसा लग रहा है? हमको पूरी उम्मीद है जीतने की, और अभी तक हमारे पास के राहुल है तो हमको पूरी उम्मीद है, और इंडिया के पास बॉलिंग भी अच्छी है तो हमको पूरा विश्वास है 100% जीतेंगे, और आगे इंडिया जीतती भाई। तो देखे, इनको पूरा भरोसा है कि जिस तरह से केएल राहुल खेल रहे हैं, तमाम जो मैचेज हुए थे उसमें जिस तरह की इंडिया की टीम फॉर्म में रही थी, आप किस तरह से देखते हैं आज को मैच को, और क्या उम्मीद है आप लोगों? पूरी उम्मीद है, पूरी इंडिया टीम जीतेगी आज, और केएल राहुल बहुत अच्छा खेलेगा, पूरे 50 ओवर तक खेलेगा तो 300 का स्कोर पहुँचा सकता है, और सूर्य कुमार भी मार सकता है रन, और इंडिया जरूर जीतेगी मैच। देखिए, केएल राहुल, सूर्य कुमार दोनों से उम्मीद है, आप किस तरह से देखते हैं, कौन सा खिलाड़ी है जो आज चलने वाला है? केएल राहुल पे भरोसा है, और इंडिया बहुत मेहनत कर रही है, और देशवासी सब जोश में हैं। देखा तो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक जश्न का माहौल है, और जो लोग हैं वो लगातार यहाँ बैठ करके मैच को देख रहे हैं, चूंकि लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव प्रचार में भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन उस बीच में समय निकाल करके जो इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई, और तमाम
जो लोग हैं वो सुबह से ही इस उम्मीद के साथ में बैठे हैं कि आज जब भी मैच समाप्त होगा तो एक और दीपावली जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो मनाने वाले हैं, जो वर्ल्ड कप है वो कहीं ना कहीं भारत जीतने वाला है। बिल्कुल भवानी, तो देखिये दिवाली के बाद एक और दीपावली का जो है यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ही इंडिया जीतेगा तो एक जश्न का अलग ही माहौल नजर आएगा। ऐसे में आपके साथ वहां और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से स्टार्टिंग में भारत के विकेट गिरे थे उसके बाद अब जाके कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। और मेरे सहयोगी खुशबू भी हमारे साथ जो है न्यूज रूम से जुड़ी है। खुशबू, देखिए पहले की अगर बात करें तो एक के बाद एक जब विकेट जा रहे थे तो कहीं ना कहीं आशाएं जो है निराशा में बदलती नजर आ रही थी, लेकिन अब जो पारी केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव खेल रहे हैं, जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल हिमाद्री, मैच काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, लोगों में काफी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। एक्साइटमेंट बिल्कुल भी जो है कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप न्यूज रूम का माहौल तो देख रहे हैं, लेकिन टोंक से मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम भी जुड़े हैं। पुरुषोत्तम, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे कि क्या वहां पर टोंक में तस्वीरें देखने को मिल रही है। पहली शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद जब विकेट जाना शुरू हुए तो कहीं ना कहीं जो प्रशंसक है भारतीय क्रिकेट टीम के उनमें निराशा हुई, लेकिन अब जिस तरह से मैच जमा है फील्ड में उसके बाद अब लोग जो है टकटकी लगा है, लगातार मैच को देख रहे हैं। ये मेरे साथ युवा हैं, जो तमाम युवा बैठे हैं लगातार मैच में पल पल की अपडेट के लिए टीवी स्क्रीन पर नजरें बनाए हुए और लगातार कोशिशें कर रहे हैं। दुआएं ये चल रही है कि कैसे भी भारत की टीम जीते और ये वर्ल्ड कप जीत कर लेके आए हिंदुस्तान। और लगातार जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से जो मैच चल रहा है इस समय, अब चूंकि केएल राहुल पर लगातार इनकी निगाहें टिकी हुई है, इनकी कि जिस तरह से उससे उम्मीदें हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या अब इस मैच में किसके ऊपर ज्यादा भरोसा है, आखिर कौन इस मैच में ज्यादा चमत्कार कर सकता है, क्या लग रहा है, किस पर भरोसा है, कितनी उम्मीदें हैं? भारत जीतेगी कन्फर्म है पूरा। आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? अभी पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का बारी, लेकिन उम्मीद है भारत ही जीतेगा। आपको क्या लग रहा है भैया? देखो अभी तो शमी से ही उम्मीद है, अब देखो आगे क्या होता है। शमी से कितनी उम्मीदें हैं? जब गेंदबाजी आएगी, फील्डिंग होगी, तब कितनी उम्मीदें? पहले 10 ओवर में अगर 3-4 विकेट चले जाए तो भारत का पलड़ा भारी हो जाएगा, वहाँ पे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे इंडिया के। अभी भी 10 ओवर बाकी है, क्या लग रहा है उन 10 ओवरों में? 280 के या 300 के लगभग चले जाए तो उम्मीद है। देखिए लगातार यही है इनकी कि 280 या 300 के आसपास का अगर स्कोर हो तो भारत को जीतने में आसानी होगी। एक और हमारे साथी है, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं भारत से? भारत से पूरी उम्मीद है, सभी भारतीयों की दुआएं साथ है, आज इंडिया जीतेगा। और जिन खिलाड़ियों से अच्छी उम्मीद थी वो अच्छा खेल नहीं पाए फिर भी, लेकिन 300 के आसपास स्कोर जाएगा और शमी पे पूरा भरोसा है और आज इंडिया जीतेगा। आपको कितनी उम्मीदें हैं भारत से, किसे किस खिलाड़ी पर नजर टिकाए हुए के? इंडिया ही जीतेगी, दिल से इंडिया। और अब सूर्य कुमार है तो उनसे ही आशा बची है। लेकिन लगातार सूर्य कुमार की बात करें, केएल राहुल की बात करें, या जब फील्डिंग भारत की होगी तब जिस तरह से मोहम्मद शमी या तमाम, देखिए कि आपके पास हम आएंगे पुरुषोत्तम, लेकिन इस बीच इसमें अपडेट भी आ गया है और केएल राहुल भी आउट हो गए जहां तक जानकारी देखिए कि, और 203 पर 6 आउट हो चुके हैं। भारत का एक और विकेट गिरा है, ये जानकारी मिल रही है। केएल राहुल 66 रन बनाकर आउट हो गए हैं और आपको बता दें कि ये अपडेट मिल रहा है। हालांकि देखिए अभी भी उम्मीद है क्योंकि 203 रन तक तो हमने बना लिए हैं। क्रिकेट का महाकुंभ, महामुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। इस बीच देखिए कि एक और विकेट गिरा है और छठा विकेट भी गिर गया है, केएल राहुल भी आउट हो गए। टीम जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस में है क्योंकि केएल राहुल जो है वो 66 रन बनाकर आउट हुए हैं। 66 रनों का जो स्कोर है वो काफी बेहतर है बाकी के जो परफॉर्मेंस रही है बाकी के खिलाड़ियों की। अगर हम बात करें रोहित शर्मा की तो 47 रन बना पाए, शुभमन गिल की अगर बात करें तो 4 रन बना पाए, या विराट कोहली की बात करें तो 54 रन पर आउट हुए हैं। ऐसे में केएल राहुल का ये जो 66 रनों का स्कोर है काफी अच्छा, और इसी में देखिए कि अपडेट एक और आ रहा है, इस वक्त आउट हुए लेकिन अब 207 रन हो चुके हैं। बिल्कुल देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए भूल नहीं सकते किस तरह से जो है आते जो है चौका मारा है, जिस तरह से मुकाबला है ये काफी इंटरेस्टिंग, इसीलिए जो है मुकाबला होता जा रहा है। इस मुकाबले में जो है कोई दो राय नहीं है कि जीत अपनी होगी। एक तरफ 203 रनों पर जहां छठे विकेट का हमें गम था तो उसके बाद एक चौका लगता है और 203 से सीधे 207 की छलांग लगती है। बिल्कुल ऐसे में बड़ा सवाल हार्दिक में, हार्दिक में एक चीज पार कर पाए, नहीं 250 पार करें। देखिए मैंने एक बात आपसे
से स्टार्टिंग में गई कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और देखिए कि उम्मीद भले ही एक आउट केएल राहुल आउट हुए, लेकिन जैसे ही चौका मारा यहाँ पर सबके चेहरे खिल उठे और अचानक से तालियां बजने लगी पूरे न्यूज रूम में। अब न्यूज रूम में लोगों से ही पूछ लेते कि उन्हें लगता है कि नहीं कि 250 का आंकड़ा पार होगा या नहीं होगा। 250 का आंकड़ा पार होगा नहीं होगा? आराम से अच्छा देखिए आप बताइए 250 का आंकड़ा पार होगा नहीं? मेरे हिसाब से तो आज सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और भारत जीतेगा। अरे वाह, एक शब्द में क्या कहेंगे? रिकॉर्ड टूटेगा, भारत जीतेगा। चलिए आप बताइए हमारे साथ हमारी सोशल मीडिया टीम है। सोशल मीडिया पर तो वैसे इस वक्त बिल्कुल धमाल मचा हुआ है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर। बताइए क्या कहता है सोशल मीडिया और क्या कह रहा है आपका दिल? 250 पार जरूर होगा, इंडिया इस बार जीतेगी और रिकॉर्ड तोड़ेगी, गारंटी है इस बार। आप बताइए, चक दे इंडिया 250 पार होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जरूर होगा और इंडिया जीतेगा। बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पर जो ये मुकाबला, सिर्फ देखिए कि हार्दिक हम सिर्फ मेल को मौका नहीं देंगे, फीमेल में भी उतनी एक्साइटमेंट है। यहाँ पर ये देखिए बालिका काफी एक्साइटमेंट, उनका जो एक्साइटमेंट है कम नहीं हो रहा, वो कह रही है कि एक बार मुझे भी बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इंडिया की बात है और कोई भी प्लेयर हो, चाहे प्लेयर कह रही हूँ मैं, कोई भी फैन हो, तो मैं कह सकती हूँ मैं बहुत ही डाई हार्ड फैन हूँ इंडिया की। और अगर मैं गेम की बात करूं तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में इस समय जो बॉलर्स हैं, चाहे वो कमिंस हो या हमें अभी इस समय जिसने विकेट लिया है स्टार्क्स, देखिए दोनों बहुत ही शानदार बॉलर हैं। इनके सामने अच्छे से अच्छे जो क्रिकेटर्स, जो बैट्समैन हैं, वो टिक जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिर भी हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं, हमारे जो इंडियन क्रिकेटर प्लेयर्स हैं, वो सारे इस समय टिके हुए हैं और 200 से ज़्यादा का रन दे दिया। जिस हिसाब से शुरुआत में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दमदार क्रिकेटर्स आउट हो गए, तो उम्मीद थोड़ी सी कम हो गई थी। फीमेल होके किसके फैन ज्यादा है? कोहली के देखिए लड़कियां फैन होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर मैं फिर भी बताऊंगी, मैं सबसे ज्यादा डाई हार्ड फैन अगर मैं कहूं तो मैं हूं इस समय जडेजा। क्योंकि इस वजह इसलिए है कि देखिए वो एक बहुत ही गेम चेंजर टाइप ऑफ प्लेयर है। वो कब आ जाए, कब गेम पलट दे, क्या कर दे, को समझ में नहीं आता। और वही सूर्य कुमार के साथ है, सूर्य कुमार इस समय टिके हुए हैं और कब वो गेम बदल दे, कब ये 200 से 250 या मैं ज्यादा अगर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के बोल दूं तो 300 कब पार हो जाए कुछ पता नहीं। आपकी एक होप तो भले धराशायी हो गई हो, लेकिन एक होप अभी बरकरार है। सूर्य कुमार अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, 11 रन बना चुके हैं और उम्मीद यही है कि चौके छक्के जड़ने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए कि जडेजा सूर्य कुमार फैन कितनी बड़ी है ये आप देख सकते हैं। कहा कि 300 तक हम पहुंच जाएंगे, हालांकि 6 विकेट हमारे गिर गए, लेकिन उम्मीद देखिए कैसे कि हम ना 300। खेल खुशबू उम्मीदों के आसपास मंडरा रहा है, अच्छी फील्डिंग और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस। ये एक्सपेक्टेशंस रखना कई बार हर्ट करता है, क्या लगता है आज इंडिया वाले हर्ट तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हर्ट नहीं होंगे। देखिए कि इंडिया वाले हर्ट हो ही नहीं सकते, हमारे प्लेयर्स में इतना दम है, हमारे प्लेयर्स इतने शानदार हैं, वो इतना शानदार खेल रहे हैं कि डरने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा जो है आज के मैच को कैसे देख रहे हैं? आज का मैच थोड़ा मुश्किल में लग रहा है अभी तक तो, हालांकि इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन करा है पिछले मुकाबलों के, पिछले मैच के बजाय कम रन रहा है इस बार, लेकिन आगे नहीं देखा जा सकता क्या होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर देखा जाएगा और इंडिया की गेंदबाजी कैसी रहती है, घातक रहती है, क्या सम्मी आज भी अपना पुराना जो जलवा है वो कायम रख पाते हैं। कितने रन बना लेंगे, क्या उम्मीद? 250 रन बना लेंगे। देखिए कि ये जो बात मैं कह रही हूँ ना बार बार, 250 रन बना लेंगे हार्दिक। लेकिन इस 250 पर कितने लोगों को और भरोसा है? आइए हम अपने न्यूज रूम में और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ। क्योंकि अब तक मैंने जितने लोगों से बात की है, हर कोई ये कह रहा है कि 250 पार हो जाएगा, 250 पार हो जाएगा। और जिस तरह से चौके छक्के इस वक्त जड़ रहे हैं, सब लोगों को ये लग रहा है कि इस बार 250 का आंकड़ा पार होगा। 250 का आंकड़ा पार होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? बिल्कुल 250 का आंकड़ा भी पार होगा और इंडिया मैच जीत चुकी है, आप ये समझिए। क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ, इंडिया मैच जरूर जीतेगी। जिस तरीके से इंडिया खेल रही है, कोई बात नहीं, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उस फील्ड में इतने रन बनाना बहुत मुश्किल है जिस हिसाब से इंडिया ने खेला है। बिल्कुल, और इस वक्त की अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें, 210 रन इंडिया की टीम बना चुकी है 40। बिल्कुल खुशबू और हार्दिक, आप न्यूज रूम में बने रहिए, माहौल जानते रहिए क्या। और ऐसे में अजमेर से हमारे सहयोगी अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है वहां पर और अब जिस तरह से इंडिया के 6 विकेट जा चुके हैं उसके बाद कितनी उम्मीद। थोड़ा साउटिंग करना। देखिए बताना चाहूंगा कि अभी मैं डूंगरपुर में मौजूद हूँ, वहां पर भी जो युवा है काफी उत्साह क्रिकेट जो मैच का जो फाइनल है वर्ल्ड कप का उसको देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस प्रकार से प्रदर्शन बैटिंग के अंदर इंडिया का अभी तक रहा है, थोड़ी कहीं ना कहीं निराशा जरूर युवाओं को है, लेकिन यहाँ के युवा भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इंडिया का जो स्कोर है वो करीब 250 पार जाने की उम्मीद यहाँ के युवाओं को। हमारे साथ में युवा है, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का उत्साह है, कितना स्कोर वो जाना है, इस प्रकार की स्थिति जो भी इंडिया की बनी हुई है कितना स्कोर जा पाएगा? 260 तक जाना चाहिए,
उसके बाद डिफेंड कर लेंगे अपन। बॉलर अभी लास्ट के जो छह मैच है वो बॉलर नहीं जीता है मतलब, तो अभी तक का जो ट्रेंड बन रहा है उस हिसाब से बॉलर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे। देखिए बॉलिंग पे कहीं ना कहीं विश्वास जताया जा रहा है क्योंकि बैटिंग में फिलहाल जो इंडिया है कुछ खासा नहीं कर पा रही दिखती है, कुछ हुआ दूसरे भी जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार की जो बैटिंग है इंडिया की है और बॉलिंग जो किस प्रकार से नहीं। अभी तक प्रदर्शन जो है वो थोड़ा ऐसा ही रहा है, लेकिन अभी तक हम बॉलिंग के ऊपर भी जोर डाल सकते हैं, हमारे इंडिया में अच्छे अच्छे बॉलर भी हैं अभी तक, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, अभी अच्छा बना हुआ है सब मामला। देखिए बॉलिंग की बात करें शमी की, पिछले लगातार जो है पिछले मैचों में अच्छी बॉलिंग करते आए हैं, फाइनल मुकाबला है कहीं ना कहीं बॉलर्स पे दारोमदार दिख रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? 250 ऊपर अगर हम पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से शमी है और हमारे दूसरे बॉलर भी जडेजा और कुलदीप के भी आज चलने के चांसेस लग रहे हैं पिच को देखते हुए, तो निश्चित रूप से हम 250 के ऊपर पहुंच गए तो हम डिफेंड कर लेंगे, ये होप है और वर्ल्ड कप हमारा होगा। बैटिंग की जिस प्रकार से उम्मीद थी कि पिछले लगातार एक भी मैच इंडिया ने हारा नहीं था मुकाबले के अंदर, जो लीग मुकाबले वो सेमीफाइनल हुआ, अब फाइनल है, बैटिंग का जो दिख रहा है इंडिया का कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग जो थी वो अच्छी दी थी रोहित ने, उसके बाद विकेट लगातार गिरते रहे, किस प्रकार से देखते हैं अभी क्या स्थिति रहने वाली? भारत ने अब तक बेहतरीन बैटिंग की है और बेहतरीन बैटिंग हमको देखने मिली है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन आज मैच स्टार्ट जो हुआ वो शानदार हुआ था, लेकिन रोहित शर्मा के जाने के बाद पूरी टीम दबाव में थी, विराट कोहली भी दबाव में थे और फिर ये दबाव अंत तक देखते हम गए और अभी भी देख रहे हैं कि जो मैच चल रहा है उसमें पूरी भारत की बैटिंग अभी भी दबाव में है, हालांकि इंडिया पूरे विश्वास पे जीता और विश्वास ये है कि इस बार बॉलर अपना काम करेंगे और भारत वर्ल्ड कप लाएगा। भारत वर्ल्ड कप लाएगा, बॉलर अपना काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग पर जो उम्मीद है अब युवाओं की ओर से जताई जा रही है कि बॉलिंग जो है वो इंडिया की अच्छी रहने वाली है और जो वर्ल्ड कप है वो भारत में लेके आएगा। जी बिल्कुल अखिलेश, तो देखिए यहाँ पर जोश बहुत हाई है, अगर युवाओं से बात की जाए तो बैटिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग अब किस तरह की रहती है भारत की ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशबू हार्दिक आप दोनों का रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि देखिए बैटिंग लाइनअप इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और 250 का जो आंकड़ा कह रहे थे मुझे लगता है कि वो हम पार कर ही लेंगे, जिस तरह से स्कोर धीरे 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 बढ़ रहा है देख करके ये जरूर होप आ रही है कि 250 का आंकड़ा पार होगा और पूरा न्यूज रूम एक गूंज में एक आवाज में कह रहा है इंडिया जीतेगा। पूछ लीजिए और भी लोग हैं। बिल्कुल क्या कहेंगे आज? देखिए आंकड़ा तो अपनी जगह है लेकिन हम अपनी ओर से इतना ही कहेंगे कि जी राजस्थान की पूरी टीम की ओर से इंडिया टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई और हम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। क्या कहेंगे आज? जी बिल्कुल 200 रन का आंकड़ा पार हो गया अपना, इतना इंडिया टीम के लिए काफी है, हमको लगता है 180 में ऑस्ट्रेलिया निपट जाएगा क्योंकि हमारी गेंदबाजी जो है बहुत बढ़िया है, मोहम्मद सिराज हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, कुलदीप यादव हो गए, सारे जो बॉलर हैं मतलब बहुत अच्छा बॉलिंग करा रहे हैं। चलिए बात करूंगी एक बार अपडेट हार्दिक आप दे दीजिए यहां से। बिल्कुल और भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच में इस वक्त एक और जो विकेट गिरा है उसका अपडेट हम अपने दर्शकों को दे देते हैं, अब तक रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, इसके बाद मोहम्मद शमी भी आउट हो गए हैं और मोहम्मद शमी 6 रन बनाकर आउट हुए हैं, 10 बॉल उन्होंने खेली और 10 बॉल के बाद 6 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। अभी बात करें सूर्य कुमार यादव की तो वो लगातार बने हुए हैं, 19 गेंदों पर उन्होंने 12 रन बनाए, अगर इससे पहले का रिकॉर्ड देखें तो सबसे पहले रोहित शर्मा ने 31। बिल्कुल देखिए कि हम ये फिर से स्कोर बताएंगे लेकिन देखिए क्योंकि मैच है और हमारे पास भी एक टाइम पीरियड होता है, एक वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए महामुकाबले का अपडेट हमारे साथ।